थोड़ा सा टाइट हो जाता है ये। ये देखिए एकदम मस्त उसमें कलर आया है और ये एकदम अच्छा साइन है कि हमारा मिठाई बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ मिठाई और मिठाई सबको पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। मिठाई खाने के लिए कोई दिन या फिर डेट देखने की जरूरत नहीं, मिठाई जब भी मन कर तभी खाने को मन करता है। अगर घर पे बनाया जाए वो भी हलवाई स्टाइल से, तो आज मैं अपना मनपसंद मिठाई लेके आई हूँ आपके लिए। क्योंकि मैं बनाने जा रही थी, सोचा मैंने आपके साथ क्यों ना बनाऊँ और आपको भी शेयर करूँ, थोड़ा सा बना के दिखाऊँ। तो आज बनाने जा रही हूँ मैसूर पाक। ये बहुत ही खास मिठाई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बनाना बहुत ही ईजी है। बस इसमें घी और तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पर ये बनने के बाद ये नॉर्मल हो जाती है और आपको खाने में बहुत ही मने जैसे मुंह पे डालोगे ना वो मेल्ट हो जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं बेसन, सारे मैंने कप के मेजरमेंट से रखे हैं यहाँ पे। तो मैंने लिए हैं 1.5 कप बेसन, 1 कप और आधा, 1.5 कप चीनी रखे हैं, 1.5 कप और घी रखी है मैंने 1 कप और उसमें ऑयल मिलाएंगे 1/2 कप, टोटल 1.5 कप। अगर आप चाहें तो घी से नहीं तो तेल से भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल से। और 4 रखे हैं हरी इलायची, इसको हम कूट के इसके पाउडर बना लेंगे। ये ऑप्शनल है, पर आप किसी भी मिठाई में इलायची का पाउडर डालिएगा तो फ्लेवर उसकी अच्छी आती है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है जिसमें हम चीनी की चाशनी बनाएंगे पहले, और एक मैंने एक छोटी सी कढ़ाई भी ली है जिसमें हमें घी और तेल को साथ में मेल्ट करके अच्छे से एकदम गर्म करना है, क्योंकि घी और तेल हमें पूरा गर्म चाहिए एकदम। आप मान के चलिए पूरा एकदम उसके धुआं आते समय उसके घी को गर्म करना है, उस तरह गर्म 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 घी हम इसमें डालेंगे। वो बाद का प्रोसेस है, पहले हम तो चीनी को पिघला लेते हैं, चीनी की चाशनी बना लेते हैं। चीनी डाल देंगे, सारा चीनी डाल दिया मैंने। अब इसमें डाल देंगे करीब 1/2 कप के करीब पानी, 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा। अब चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, अच्छे से हमारा मेल्ट होना चाहिए। अब इस कढ़ाई में हम अपना घी भी डाल देते हैं अच्छे से गर्म होने के लिए, साथ में तेल भी डाल देंगे। घी और तेल का जो है अमाउंट थोड़ा ज्यादा लेके चलेंगे क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ती है हमें घी और तेल की। अगर थोड़ा सा बच भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको पराठे वराठे में यूज कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये भी हमारा गरम होते रहेगा अच्छे से, हमने आँच को बिल्कुल धीमी रखी है और इसको मीडियम फ्लेम में हम चीनी को एकदम पिघला के चाशनी बना लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चाशनी बनके तैयार हो गया है। चाशनी ऐसा होना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें चाशनी एकदम चिपचिपा जैसा हो जाता है, एक तार का ऐसा नटखटापन होना चाहिए चीनी में। तो ये हमारा बनके तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे डायरेक्ट बेसन, गैस को हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे। बेसन वाले बेसन आप मोटी या पतली कोई भी यूज कर सकते हो, और इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसको घोलते रहना है, घोलते रहे दूसरा भी डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हमने बिल्कुल कम कर दिया है अभी, अभी थोड़ा हाई करके इसको हम चलाएंगे लगातार और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे पहले। ये हमने सारा घोल दिया है बेसन को, अगर फिर थोड़ा थोड़ा गुठलियाँ रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम इसमें ऑयल डालेंगे तो ये सारा मिल जाएगा इसमें। अब इसको हाई फ्लेम रखते हुए इसमें हम डालेंगे 1-1 चम्मच करके ऑयल, तेल भी गर्म होना चाहिए। और इसको लगातार चलाते रहेंगे अच्छे से, कई बार तो लोग इसमें यूज करते हैं मीठा सोडा इसको फ्लफी बनाने के लिए, पर हम यूज नहीं करेंगे, हम नेचुरल बनाएंगे। और इसके साथ साथ हम इलायची पाउडर डाल देते हैं ताकि इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से।
इसमें जितना तेल डालेंगे इसमें ये फ्लफी होते जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। हाथ की मेहनत बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से स्टर करते रहना है, हमें चलाते रहना है। फिर से डालेंगे, इसी तरह से हम चलाते तेल डालते हुए इसको चलाते रहेंगे लगातार। देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्म कैसे चेंज हो गया है, ये देखिए कितना फ्लफी बन गया है, आप देख पा रहे हैं। गैस को हम ऑफ कर देते हैं और जितनी बची हुई तेल को डाल देते हैं। मेरा सारा 1.5 कप तेल यूज हो गया इसमें। अब इसको तुरंत हम डालते हैं, जो हमने तैयार करके रखे उसमें डालेंगे। इसमें हमने ये तैयार करके रखे हैं बर्तन, जो केक टेन है, तो इसी का अल्मोनियम के बर्तन ही चाहिए। अब इसमें गर्मा गर्म डाल देते हैं इसको और इसको जल्दी जल्दी फैला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने बिल्कुल समान कर दिया है। अब इसमें तेल है और ये धीरे धीरे पकेगा अंदर से। एक मैसूर मिठाई में अंदर से कलर होता है, वो कलर भी इसमें आ जाएंगे थोड़े थोड़े। अब इसको हम छोड़ देते हैं करीब 10 मिनट के लिए। फिर इसको गर्मा गर्म काटना होता है, पर अभी नहीं काटेंगे, 10 मिनट के बाद काटेंगे इसको। अब इसको साइड में रख देते हैं। देखिए थोड़ा सा नॉर्मल हो चुके हैं फ्रेंड, ये नॉर्मल हो गया है। अब थोड़ा सा इसको ना काट के हम सेट करके रख देंगे, ताकि ये बाद में आसान से निकल जाए। नीचे से लेके अच्छे से काट लेंगे इसको। देखिए हमने ये सारे अच्छे से काट लिए हैं। अब इसको हम छोड़ देंगे करीब आधा घंटा 1 घंटे के लिए। तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। और ये थोड़े से ऊपर ऊपर से ऐसे निकल गए हैं, इससे आपको पता चलता है कि आपकी मिठाई बहुत अच्छी बनी है। और ये बहुत ही खास्ता है, इसका साइन ये देता है कि आपकी मिठाई बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। अब इसका रिजल्ट देखेंगे हम कम से कम 1 घंटे के बाद, इसको रख देते। चलिए हम देख लेते हैं हमारा मिठाई मैसूर पाक। और ये ठंडा भी हो गया, हल्का सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। इसको ऊपर ले लेते हैं इसको। अब इसको ऊपर ऐसे करके हल्के हाथों से टैप कर लेंगे। ये हमने टैप कर लिया हल्के हाथों से, इसको हल्के हाथों से उठा लेंगे। थोड़ा सा टाइट हो जाता है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना मस्त इसमें कलर आया है। और ये एकदम अच्छा साइन है कि हमारा मिठाई बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए दानेदार जैसा चाहिए, और जैसे बीच में कलर है वैसा भी है, और एकदम परफेक्ट मिठाई बनके तैयार हुआ है हमारा। अब इसको अच्छे से एक प्लेट में डाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमने प्लेट में भी सजा लिया है। अब मेहमान को देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपके पास इस तरह का अल्मोनियम का बर्तन अगर ना हो तो भी चलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। स्पेशली इसी के लिए खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास स्टील का थाल हो, कोई गहरी वाली या फिर कोई भगोना हो, वो भी चलेगा। पर उसके ऊपर से आपको सिल्वर फॉइल बिल्कुल उसमें बिछानी है अच्छे से, उसको कवर करनी है प्लेट को, और उसी तरह सिल्वर फॉइल के ऊपर ही आप इसको डाल के बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। तो ये देखिए कितना मस्त बन के तैयार हो गया है, बहुत कम समय में बन के तैयार हो गया ये मिठाई। और मिठाई खाने का ऐसा दिन और तारीख नहीं दिखी जा सकती, जब भी खा सके तब भी खा सकते हो आप। और ये कितना मस्त बन के, और ये एकदम खास्ता, ये देखिए कितना मस्त बन के तैयार हुआ है। और हलवाई भी ऐसे बनाते हैं, और ये हमने घर पे बनाया है, हमने इसमें सोडा का यूज़ नहीं किया है। ये नेचुरल अपने फ्लफी हुआ है और अच्छे से बनके तैयार हुआ है।
तो मैं उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जरूर वीडियो मुझे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करना भूलिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।